हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल कनेक्ट। मेरा नाम सुरेश है। आज मैंने थायराइड और वॉल टैंक पैटर्न के बारे में बताएगा। वॉल टैंक और थायराइड किस लिए पैटर्न करना है, ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ थायराइड एंड वॉल टैंक पैटर्न। नंबर वन, अवॉइड द लीकेजेस ड्यूरिंग रेन। जब बारिश आता है, जब बारिश का पानी टायराइड का वजह से, नेक्स्ट वॉल टैंक का वजह से अंदर नहीं आने के लिए पैकिंग करना है। जो सेकंड पॉइंट, इंक्रीज द स्ट्रक्चर लाइफ। जब स्ट्रक्चर का अंदर जो होल रहता है, स्ट्रक्चर में वीक होने का चांसेस रहता है, इसलिए होल पैकिंग जीपीटी से करती है तो स्ट्रक्चर का लाइफ टाइम भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, अवॉइड द क्रॉस फ्रॉम माइनर एर्थक्वेक्स। जब एर्थक्वेक जब आता है, जो स्ट्रक्चर में वीकनेस रहे तो उसमें क्या होता है, इजिली क्रॉस डाउन होता है। इसलिए जो हम होल पैकिंग करती है तो स्ट्रक्चर में स्टेबल रहता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम वॉर्म्स, इंसेक्ट्स एंड स्नेक्स। जो हम लोग जो होल पैकिंग नहीं किया तो बाहर से होल पैकिंग का होल के थ्रू कीड़ा सांप अंदर आने का चांस रहता है, इसलिए कंपल्सरी थायराइड होने दो, वॉल टाइप होने दो, पैकिंग करना बहुत ही जरूरी है। थायराइड एंड वॉल टाइप किस तरीके से पैकिंग करना है अभी ये वीडियो में हम देखेंगे। इसे तो वॉल टाइप बोलता है, ये वॉल टाइप कैसे यूज करता है देखेंगे अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, वॉल टाइप ऐसा लॉकिंग किया जाता है, वॉल का अंदर ऐसा रहता है। देखिए ये वॉल का अंदर पीवीसी स्लीव डाल के उसको उसके अंदर से वॉल टाइप ने दिया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, वॉल टाइप इस तरफ आ गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वॉल टाइप। ये वॉल टाइप यूज करके माइवन शटरिंग किया जाता है। ये वॉल टाइप वन ऑफ द हॉट फॉर द माइवन शटरिंग। ये वॉल टाइप में दोनों तरफ शटरिंग प्लेट्स को लॉकिंग किया जाता है। मेरा प्रीवियस वीडियोस माइवन शटरिंग प्रोसीजर एंड माइवन शटरिंग पार्ट्स देखिए, ये वॉल टाइप के बारे में और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर माइवन शटरिंग डिजाइन प्रकार से ये वॉल टाइप दिया जाता है। ये वॉल टाइप रिमूव करने के बाद ऐसा होल रहता है। ये होल को किस तरीके से पैकिंग करना है देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वॉल में वॉल टाइप निकालने के बाद ऐसा होल रहता है। माइवन शटरिंग का टाइम में वॉल का दोनों तरफ पैनल को लॉकिंग करने के लिए वॉल टाइप यूज करता है। ये वॉल टाइप आसानी से निकालने के लिए पीवीसी स्लीव यूज करता है। ये जो होल का अंदर पीवीसी स्लीव को अच्छी तरीके से निकलना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऐसा वाला नोज प्लेयर यूज करके होल का अंदर जो पीवीसी स्लीव को अच्छी तरह से निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पीवीसी स्लीव को निकाल रहा है। ये पीवीसी स्लीव का ऊपर एक प्लास्टिक कवर भी रहता है, उसी को भी निकालना बहुत ही जरूरी है। प्लास्टिक का एंड सीमेंट का बीच में बॉन्डिंग नहीं रहता है, इसलिए प्लास्टिक को 100% होल से निकालना बहुत ही जरूरी है। पीपीसी कवर नहीं निकाले तो होल पैकिंग करके भी कुछ फायदा नहीं रहता है, इसलिए
100% पीवीसी कवर निकालना है। पीवीसी कवर निकालने के बाद कुछ ग्रीस ऑयल कुछ रहे तो भी उसी को भी क्लीन करना है। होल ने अच्छी तरीके से क्लीनिंग करने के बाद GP2 लेकर इसको पैकिंग करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, होल पैकिंग के लिए GP2 यूज कर रहा है। तैयारीदार अनुकार से इसमें पानी देना है। GP2 से ये उपयोग है, अपने आप को प्रभाव होता है। इसका जो मजबूती एक ही दिन में 24 N/mm² स्ट्रेंथ आता है, 3 दिन में 45 N/mm² मजबूती होता है, 7 दिन में 55 N/mm² मजबूती होता है। कम टाइम में इतना मजबूती आता है, इसलिए होल पैकिंग के लिए GP2 यूज करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्सिंग करने के टाइम में अच्छी तरीके से मिक्सिंग करना है, इसी को बोलता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्स किया सो GP2 लेकर होल का अंदर ऐसा उंगली से दबाना है। GP2 ने वाल का उस पार तक जाने तक दबाना है। ऐसा उंगली से दबाने के बाद एक फ्लैट प्लेट लेकर अंदर तक जाने के लिए दबाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा वाला फ्लैट प्लेट लेकर अंदर तक ऐसा दबाना बहुत ही जरूरी है। फिर से दबाने के बाद फिर से पैकिंग करना है। ऐसा वाल का दोनों तरफ करना है। ऐसा अच्छी तरह से होल पैकिंग करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा होल पैकिंग होने के बाद लगातार 24 घंटा पानी डालकर लीकेज टेस्ट करना है, ताकि बारिश का टाइम में पानी अंदर ना आए। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा पानी डालकर चेकिंग करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा पानी डालने के बाद अंदर में एक बार चेकिंग करना है, कुछ लीकेज आ रहा है का एक बार चेकिंग करना है। कुछ लीकेज है तो इमिडिएटली उसको रेक्टिफाई करना है। फ्रेंड्स, टायराइड होल भी इसी तरीके से पैकिंग करना है। फ्रेंड्स, काम एक ही साथ में कंप्लीट करना अच्छा है। दोबारा रेक्टिफिकेशन कर दिया तो पुराना जैसा उतना स्ट्रेंथ रेक्टिफिकेशन में नहीं मिलता है, इसलिए एक ही साथ में काम कंप्लीट करना अच्छा है। फ्रेंड्स, ऐसा पानी डालने के टाइम में विंडोज, वेंटिलेटर्स, स्लाइडिंग डोर्स सारे क्लोज करना अच्छा है, नहीं तो उसका थ्रू पानी अंदर आने का चांस रहता है। फ्रेंड्स, लीकेजेस रेक्टिफाई नहीं किया तो पेंटिंग होने के बाद पेंटिंग फील ऑफ होने का चांस रहता है, इसलिए 100% लीकेजेस रेक्टिफाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, अंदर में कुछ भी लीकेजेस नहीं है, ये अभी फर्दर वर्क के लिए रेडी है। मेरा वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू फॉर द वॉचिंग।